जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर और बिरला मंदिर में आपको ये बता दे कि हथियारबंद किए गए, और कल वहां पर जब हथियारबंद हुआ तो आतंकियों के घुसने और वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाने की खबर से शहरवासियों में सनसनी मच गई। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह खबर अफवाह निकली। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि कल जो मॉक ड्रिल किया गया और कल प्रशासन वहां पर पहुंची तो क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है। जी लोकेश, देखिए कल मोती डुंगरी मंदिर में वहां पर किया गया मॉक ड्रिल किया गया और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए कल 8 बजकर रात 8:17 पर जो एनएसजी के कमांडो है, हथियारबंद कमांडो, वो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे तो इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया था। दरअसल ये जो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जिस तरह के आतंकवादी शहर के प्रमुख मंदिरों में घुसते हैं तो उस दौरान किस तरह से एनएसजी और जो सुरक्षा जो के जवान हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इसको लेकर जो पूरी मॉक ड्रिल है वो की गई थी। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर और बिरला मंदिर के अंदर जो आतंकवादी है वो अंदर घुसने की को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान 120 हथियारबंद एनएसजी के जो कमांडो है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो जयपुर पुलिस और यहाँ के जो स्थानीय जो सुरक्षा कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो पहुंची और पूरी तरह से जो मॉक ड्रिल जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के दौरान की जाती है उसी तरह की जो मॉक ड्रिल यहां की गई है। इस दौरान जो जेएलएन मार्ग पर पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो रोक दिए गए, हालांकि अब जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। जिस तरह से रात 8:17 पर जिस जैसे ही ये खबर जो वायरल हुई कि जो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर और बिरला मंदिर में जो आतंकवादी है वो घुस गए थे, और उसके बाद में जब जैसे जो सुरक्षा के जवान वो यहाँ पहुंचे थे इसके बाद में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था और पुलिस के जवान है उन्होंने पूरी जेएलएन मार्ग को रोक लिया था। ऐसे में यहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल और दहशत का माहौल मच गया था, लेकिन जैसे ये सूचना आम जनता तक पहुंची कि ये मॉक ड्रिल की जा रही है और मॉक ड्रिल के दौरान इस तरह की जो कार्रवाई होती है कि आम जनता को रोक दिया जाता है और पूरी तरह से उस एरिया को सीज करके वहाँ पर जो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, इसी को देखते हुए ही यहाँ पर जो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर और बिरला मंदिर के अंदर जो मॉक ड्रिल की गई, इसमें जो पुलिस जो एनएसजी के जो कमांडो 120 कमांडो है वो यहाँ पर तैनात हुए थे और उन्होंने पूरी तरह से जिस तरह से आतंकवाद घटना के दौरान जो ऑपरेशन किया जाता है उसी तरह से यहाँ पर काम किया। इसके बाद में देर रात तकरीबन 1:30 तक ये मॉक ड्रिल यहाँ पर हुई और मॉक ड्रिल के दौरान पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिस के जवान वो यहाँ पर जो स्थिति को संभाले हुए थे, एनएसजी के जो कमांडोज हैं ब्लैक कमांडोज वो यहाँ पर मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर किस तरह से उनको अंदर तक पहुँचने हो उसको पूरी तरह से यहाँ पर काम किया था और उसी के बाद में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और तकरीबन 1:30 तक इस ऑपरेशन को ख़त्म किया। फिलहाल अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है, लेकिन जैसे ही एक बार जो सूचना मिली थी आम जनता को यहाँ पर कि आतंकवादी यहाँ घुस गए, ऐसे में उस दौरान पूरी तरह से दहशत का जो माहौल है वो यहाँ पर हो गया था, लेकिन जब मॉक ड्रिल की सूचना आने के बाद में पूरी तरह से यहाँ पर जो दहशत में जो लोग थे उन्होंने शांति ली। लेकिन जिस तरह से रात 1:30 तक ये मॉक ड्रिल हुई और एक सफल मॉक ड्रिल यहाँ पर हुई और उसको लेकर यही कहा गया है कि अगर जयपुर शहर में आगे कहीं भी आतंकवादी ऐसी घटनाएं होती है, किसी मंदिर में ऐसे घटनाक्रम होता है तो उसके लिए जो एनएसजी के कमांडोज और जयपुर पुलिस और स्थानीय जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से तैयार है और इस तरह की गतिविधियों के लिए आतंकवादियों से पुरजोर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इस दौरान जो यही देखा गया है कि किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां है वो समय पर पहुंचती है, उनका टाइम यहां पर नोट किया गया और उस टाइम नोट करने के साथ साथ यहां पर किस तरह से उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया इसको भी नोट किया गया और इस पूरे काम को जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन को यही लेकर यही बात साफ हुई है कि जो एनएसजी के कमांडो आगे अगर किसी तरह की ऐसी गतिविधि होती है घटना होती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है जयपुर पुलिस, उसके लिए तैयार है ताकि जयपुर की जनता को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। जी लोकेश, देखिए कल आम जनता में हड़कंप मच गया था, अभी सामान्य स्थिति देखी जा रही है लोगों में।
बिल्कुल, अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है, क्योंकि देर रात जैसे 8:17 पर जो कमांडोज यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद तहसील का माहौल यहाँ पर मच गया था और आसपास रहने वाले इलाके में पूरी तरह सनसनी यही फैल गई थी कि आतंकवादी यहाँ पर घुस गए और अब किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। लेकिन जैसे ये सूचना आम जनता के पहुँची कि मॉकड्रिल हुई हो रही है, इसके बाद में उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन रात 1:30 तक ये सफल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में अब पूरी तरह से स्थिति है वो पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। मंदिर भी उसी तरह से खुला है जिस तरह से सामान्य दिनों में खुलता है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बिरला मंदिर में भी लगातार अब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, ऐसे में स्थिति पूरी तरह से सामान्य नजर आ रही है। जी शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।